अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, नाश्ता हमारा हो चुका है, मेरे हस्बैंड चले गए हैं साइट पर और मेरा बेटा जा चुका है स्कूल। और जैसे कि मैंने बताया था, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मेरा बेटा भी जल्दी आ जाता है घर। तो मैं बनाने लगी हूँ खिचड़ी। आज कुछ थोड़ा सा लाइट खाने का मन हो रहा था, थोड़ा सा काम भी था, और तो इसलिए मैंने खिचड़ी बना ली है। और लंच टाइम में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे कुछ देर के लिए, तो हम दोनों ने साथ में बैठकर लंच किया था। और कभी कभी होता है कि थोड़ा खाने में कुछ लाइट खाया जाए, तो इसलिए मैंने खिचड़ी ही बना ली थी। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है खिचड़ी, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाती है आसानी से और कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसे खा के। और हाँ, मैं खिचड़ी में कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करती हूँ। मैं नमक और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, क्योंकि मुझे हल्दी थोड़ी पीली, उसका कलर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ी हल्दी डालती हूँ उसमें और थोड़ा सा नमक। और उसके अलावा मैं कोई भी स्पाइसेस खिचड़ी में ऐड नहीं करती हूँ। और कभी कभी अगर ज़्यादा गर्मी में अगर खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके साथ दही ले लेते हैं, अदरवाइज़ उसके साथ कुछ नहीं खाना होता है। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करती हूँ और बस खिचड़ी में हल्का सा तड़का मैं लगा लेती हूँ लास्ट में। तो मेरा बेटा भी स्कूल से आ चुका है, तो हमने साथ में ही बैठकर लंच किया था और ये हमारी खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। सिंपल एंड टेस्टी खिचड़ी विद सैलेड। और अभी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, नहीं तो एक ग्लास इसके साथ हम छाछ भी ले सकते हैं। कुछ कपड़े रखे हुए थे आयरन के लिए, तो मैं आयरन करने लगी हूँ अब। और ये देखें मेरे बेटे को ये मस्ती करते हुए। और ये टाइम होता है जब मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने के लिए होता है थोड़ा सा टाइम, तो इसके बाद मैं नमाज वगैरह पढ़ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का भी टाइम हो जाता है, इसलिए जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं इसी टाइम में कर लेती हूँ, जो कि खाली टाइम होता है थोड़ा सा मेरे पास। और आजकल इसी टाइम में मैं एडिटिंग वगैरह भी अपने ब्लॉग्स की करती हूँ, तो ये दो बार के कपड़े मैंने धोए थे तो वो इकट्ठा हो गए थे आयरन के लिए। जब आयरन करने बैठ जाते हैं तो बहुत ही जल्दी से हो भी जाती है। और साथ ही मैं थोड़े से सॉन्ग सुन रही थी। कोई भी मैं ऐसा काम कर रही होती हूँ, डस्टिंग, क्लीनिंग या फिर आयरन वगैरह, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं सॉन्ग्स वगैरह सुनती रहती हूँ और अपना काम जल्दी जल्दी से फिनिश कर देती हूँ। तो इस टाइम में मुझे पसंद है थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना, अदरवाइज़ मैं कोई भी मूवीज़ वगैरह या सीरियल्स वगैरह प्रोग्राम नहीं देखती हूँ। हाँ, अगर कोई अच्छी मूवी या कोई ऐसी वेब सीरीज़ होती है तो मेरे हस्बैंड और मैं कभी ऐसा होता है कि देखते हैं साथ में, मगर ज़्यादा इतना शौक नहीं है टीवी देखने का। एक तो टाइम भी नहीं मिलता है टीवी देखने के लिए, और एक होता है कि कुछ हैबिट भी नहीं होती है किसी किसी को टीवी ज़्यादा देखने की, तो मुझे आदत नहीं है ज़्यादा टीवी वगैरह देखने की। और अगर ज़्यादा मैं लगातार टीवी देखती भी हूँ तो मेरे सर में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है
टीवी मूवीज़ वगैरह के डेली देखना ही है। 15-20 दिन में कभी कोई ऐसा चांस होता है कि हमने साथ में कोई मूवी देख ली बैठकर, अदरवाइज इतना इंटरेस्ट है नहीं मूवी वगैरह देखने में। ये ऑलमोस्ट मेरे सारे कपड़े आयरन हो चुके हैं और अभी मुझे लगने लगी है बहुत ज़्यादा गर्मी, और यहाँ से सब कुछ समेटने के बाद मैं फिर नहाने के लिए जाऊँगी और ये मैं कपड़े सेट कर देती हूँ अलमीरा में। और ये देखें, उसके बाद में मैं कपड़े धोने लगी थी और काफ़ी सारे कपड़े जो थे वो इकट्ठा हो गए थे, और कपड़ों को वॉश करने के बाद में मैंने नहा लिया था, तो अब मैं वो कपड़े सुखाने के लिए जा रही हूँ। तो ये देखें, काफ़ी सारे कपड़े जो थे वो इकट्ठा हो गए थे, तो पहले मैंने इन्हें वॉश कर लिया था, फिर उसके बाद में मैं नहाने चली गई थी, और अभी ये मैं सारे कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ। और कुछ कपड़े जो मैं एक साइड पे रखती जा रही हूँ, वो जीन्स वगैरह, बेडशीट्स वगैरह, जो मोटे कपड़े हैं जो इजीली यहाँ पर नहीं सूख पाएंगे, तो मैं इन्हें अपने सामने वाली छत पर ही सुखाऊंगी। और ये सभी कपड़े यहाँ पर टंग चुके हैं, और वैसे भी यहाँ पर जगह नहीं थी और कपड़ों के लिए। और उसके बाद में कुछ गेस्ट घर पर आ गए थे, तो मैं उन्हीं को नाश्ता वगैरह कराने लगी हूँ, और फिर उसके बाद अभी मेरी क्लीनिंग बाकी बची थी, लेकिन कपड़े वगैरह धोने के बाद में मुझे गर्मी लगने लगी थी, तो मैं इसलिए पहले नहाने के लिए चली गई, उसके बाद में फिर मैं क्लीनिंग करने के लिए लगी हूँ। और ये जो कांच की बोतल मैं लेकर गई हूँ, उसमें मैंने मनी प्लांट को लगाया था, बट वो सूख गई, वो नहीं ग्रो हुई, तो मैंने उसे निकाल के और बोतल को अच्छे से वॉश करके रख दिया है, और अभी मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने। और जैसे कि मैं रात में अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ, तो इतना ज़्यादा कूड़ा निकलता नहीं है, इतनी ज़्यादा डस्ट आती नहीं है, तो अभी मैं वो आज मैं लगाने लगी हूँ, हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ मैं। तो पोछा हमारा हो गया है डन, और ये देखें, ये रूम एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। अब मैं बाकी की क्लीनिंग करने जा रही हूँ, सेकंड रूम को मैं अच्छे से क्लीन भी करूँगी, और ये आ गई हूँ मैं सेकंड रूम में, तो मैं यहाँ पर भी झाड़ू लगाने लगी हूँ। और रात के टाइम एक कॉकरोच ड्रेसिंग के पीछे की साइड गया था, तो मेरे हस्बैंड से मैंने ये ड्रेसिंग आगे खिसकवा लिया था थोड़ा सा, तो उन्होंने आगे खिसका दिया था, बट सुबह में इतनी जल्दी रहती है कि मैं उसे ठीक करवाना पीछे से भूल गई, और मुझे इसके पीछे से सफाई भी करनी थी। पीछे इसके मेरे बेटे ने टॉयज़ वगैरह डाल दिए थे, और इसके पीछे कुछ पैसे भी मुझे मिले थे, और ये देखें, इसके नीचे इतना सारा कूड़ा भी निकला था, और मैंने इसे क्लीन किया है अच्छे से, और फिर मैंने इसे पीछे खिसका दिया है जहाँ पर ये था, उसे अपनी जगह पे करने के बाद मैं फिर से दोबारा से यहाँ से साफ करने लगी हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे लंच वगैरह करके, और मेरा बेटा भी कुराने पाक पढ़ने के लिए चला गया था, और मॉर्निंग में मैंने एक बार झाड़ू लगा दी थी, बट सफाई अच्छे से नहीं हो पाई थी, और बीच में मैं आयरन वगैरह करने के लिए लग गई थी, इसके बाद में फिर गेस्ट वगैरह आ गए थे, तो क्लीनिंग आज मेरी लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और ये मेरे पैर में कुछ कांच का टुकड़ा लग गया था जो कि मैं निकाल रही थी,
और अभी मैं लगी हूँ क्लीनिंग करने। देखें आज कितना सारा ड्रेसिंग के पीछे से कचरा निकला है, जो कि मैंने झाड़ू से साफ़ करके निकाला था। उसके पीछे से मेरा हाथ नहीं जा रहा था, वहाँ पर वहाँ इतना स्पेस था नहीं, तो मैंने झाड़ू लगा ली है। उसके बाद मैं लगी हूँ पोछा लगाने के लिए, और किचन में मैंने पोछा लगा लिया है। अब मैं आ गई हूँ रूम में, तो मैं इस रूम में भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी। मैजिक मोप से भी अच्छी क्लीनिंग होती है, पोछा सही लगाया जाता है, बट आज मेरा मन था कि बैठ के अच्छे से लगाऊं पोछा, ताकि जो थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह रह भी जाती है उससे, तो ये सारी क्लीन हो जाए और फर्श और भी ज़्यादा क्लीन हो जाए। इसके बाद में मैंने बाहर से भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद में मैं वॉश बेसिन को साफ़ करने लगी हूँ। वो भी काफ़ी गंदा हो जाता है, और अगर डेली डेली इसको क्लीन करते रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और वॉश बेसिन को तो अच्छे से डेली क्लीन करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हैंड वॉश फेस वॉश वगैरह हम करते हैं तो जर्म्स वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए उसको डेली क्लीन करना चाहिए। और ये जो क्रॉकरी मैंने कल आपके साथ शेयर की थी, वो मैंने ऐसे यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया है। और ये ग्लासेस हैं जो मैं लेकर आई थी, वो भी मैंने यहीं पर सेट कर दिए हैं। और मुझे यहाँ से किसी भी क्रॉकरी की नीड होगी तो मैं यहाँ से इजीली ले सकती हूँ, और यहीं पर अच्छे से वॉश करके मैं इजीली रख भी सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर उन्हें रखा है। और यहाँ पर डस्ट भी जल्दी से अंदर नहीं जाती है क्रॉकरी पर। और ये देखिए, मैंने एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है रूम्स को। और फ्लोर भी देखें कैसे चमक रहा है आज। और किचन भी मैंने क्लीन कर ली थी। ये देखें, और ये किचन के थोड़े बाहर का पोर्शन है, जो कि मैंने यहाँ से भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर मैंने मैजिक मोप और सिलेंडर वगैरह मैंने यहाँ पर रखा हुआ है एक साइड, और ऊपर मैंने ये कुछ सामान अपना रखा हुआ है, टब्स वगैरह। और ये हम चलते हैं सेकंड रूम की तरफ। तो यहाँ से स्टेयर्स हैं, और ये फर्स्ट फ्लोर है जिस पर मैं रहती हूँ, और यहाँ पे ये सेकंड रूम, ये भी क्लीन हो गया एकदम। ये मैंने सबसे पहले क्लीन किया था कपड़ों को सुखाने के बाद। और ये देखें, मेरी मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। और इसके अलावा ये एक पर्पल हार्ट प्लांट है और एक जेड प्लांट है।
ये भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और मनी प्लांट मेरे हस्बैंड ने बाहर लगाई है, तो इस गेट को मैं बंद कर देती हूँ। और ये है हमारा वॉल ब्रशिन एरिया जो कि मैंने क्लीन कर लिया है इसको भी अच्छे से। और ये टॉवल है छोटा सा, तो मेरा फ्लोर हो गया एकदम नीट एंड क्लीन। और उसके बाद में जब गेस्ट वगैरह आए थे तो ये बर्तन रह गए थे कुछ, और मैंने इन्हें वॉश इसलिए नहीं करा था क्योंकि फिर क्लीनिंग के लिए, डस्टिंग के लिए और बहुत टाइम हो गया था, वैसे भी घर की सफाई नहीं हुई थी, लेट हो गया था बहुत। तो मैंने सोचा कि बर्तन वगैरह मैं बाद में वॉश कर लेती हूँ, पहले मैं झाड़ू और पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद में मैंने अभी ये बर्तन को वॉश किया है। और ये देखें मेरी किचन हो गई है एकदम नीट एंड क्लीन। और ये वो पैंस हैं जो मैं लेकर आई थी। और अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।